नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच के संबंध काफी खराब चल रहे हैं। इन दोनों के बीच काफी साल पहले मनमुटाव की स्थिति इतनी आगे तक पहुंच गई कि इस समय दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। हसीन जहां के साथ मोहम्मद शमी की एक बेटी भी है जो अपनी माँ के पास ही रहती है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां को लेकर बीते कुछ वर्षों से विवाद चल रहा है। दोनों के रिश्तों में खटास चक जाहिर है। शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। सिर्फ शमी ही नहीं, हसीन जहां ने शमी के परिवार पर भी आरोप लगाए थे। शमी और उनके परिवार के लिए एक अच्छी बात ये रही कि हसीन जहां द्वारा लगाए गए आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। दोनों के बीच हालांकि अभी तक तलाक नहीं हुआ है। शमी से अलग होने के बाद हसीन जहां सोशल मीडिया पर कई बार चर्चा का विषय रहती हैं और अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर चर्चा है। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जो लोग को असमंजस में डाल रहा है। हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें वो साड़ी में हैं। फोटो में हैरानी की बात उनका साड़ी पहनना नहीं बल्कि वो साड़ी के साथ मांग में सिंदूर भी लगाए नजर आ रही हैं। बता दें, हसीन जहां ने एक फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है जिसमें वो हल्के नीले रंग की साड़ी पहने हुए और मांग में सिंदूर लगाए हुए नजर आ रही हैं। लोगों की उत्सुकता इस बात में है कि हसीन जहां ने सिंदूर क्यों और किसके नाम का लगाया है। हसीन जहां ने इस पोस्ट के साथ शायराना अंदाज में कैप्शन लिखा है। हसीन जहां ने लिखा, सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। हसीन जहां का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस पोस्ट पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बता दें, हसीन जहां और शमी की शादी अप्रैल 2014 में हुई थी। इसके कुछ साल बाद हसीन जहां ने शमी पर दूसरी औरतों से संबंध रखने और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। उन्होंने शमी के अन्य महिलाओं से बात करने के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। हसीन जहां ने शमी के मैच फिक्सिंग में संलिप्तता के आरोप भी लगाए थे। शमी पर लगे ये आरोप साबित नहीं हुए थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।